दोस्तों, दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर से काफी बुरी तरह भारतीय टीम के सामने हार गई है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें, भारतीय टीम ने जहां पहले टॉस जीतकर इस मैच में गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 108 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट कर दिया था और न्यूजीलैंड की तरफ से कोई भी बल्लेबाज कुछ ज्यादा स्कोर खड़ा नहीं कर पाया था, जहां न्यूजीलैंड की शुरुआत के 5 विकेट तो केवल 15 रन के स्कोर पर गिर गए थे और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम तो 100 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन जैसे तैसे ग्लेन फिलिप्स और मिशेल ब्रैसवेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी तो आखिरी में आकर सेंटनर ने भी 27 रन बनाए, जहां न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन ग्लेन फिलिप्स ने बनाए थे 36 रन। लेकिन इस मैच में भारतीय टीम की गेंदबाजी सबसे ज्यादा बढ़िया रही थी, जहां भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी ने अपने 6 ओवरों में केवल 18 रन देकर 3 बड़े विकेट अपने नाम किए थे, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने अपने 6 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट झटके, तो वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने अपने 3 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट लिए, तो वहीं सिराज शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने एक एक विकेट झटका था। वहीं अब भारतीय टीम को ये दूसरा वनडे मैच जीतने के लिए केवल 109 रन बनाने थे और दोस्तों, भारतीय टीम अगर ये मैच जीत जाती तो फिर भारतीय टीम इस सीरीज को भी अपने नाम कर लेती। और जब भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल टारगेट का पीछा करने उतरे तो इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की शुरुआत काफी शानदार अंदाज में करवाई और ये दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही काफी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे और ये भारतीय टीम को काफी जल्दी में जीत दिलवाने के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम को ये दूसरे वनडे मैच में जीतने के लिए बेहद ही कम रन बनाने थे और इस वजह से रोहित शर्मा तो इस मैच में कुछ ज्यादा ही तेज बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसके बाद शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने भारतीय टीम का स्कोर भी 10वें ओवर में 50 रन के पार पहुंचा दिया था, जहां रोहित शर्मा तो इस मैच में अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी बीच उनका एक जबरा फैन मैदान पर घुस आया उनसे मिलने के लिए। तो वहीं इसके बाद रोहित शर्मा ने और भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन 50 रन पूरा करने के बाद ही रोहित शर्मा हेनरी स्लिपली की गेंद का शिकार बन बैठे और दोस्तों, रोहित शर्मा 50 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 72 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप करी थी। तो जहां इसके बाद बैटिंग करने विराट कोहली उतरे थे, जहां विराट कोहली इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 2 चौके भी जड़ दिए थे। लेकिन जब भारतीय टीम को ये मैच जीतने के लिए केवल 11 रन चाहिए थे, तभी विराट कोहली मिचेल सेंटनर की गेंद पर आउट हो बैठे और विराट कोहली केवल 11 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं इसके बाद बैटिंग करने ईशान किशन उतरे और ईशान किशन ने उतरते ही एक शानदार चौका जड़ दिया था। तो वहीं इसके बाद शुभमन गिल ने 21वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़कर इस मैच में भारतीय टीम को जीत दिलवा दी और भारतीय टीम ये मैच 8 विकेटों से जीती है और इस तरह भारतीय टीम ने इस सीरीज को भी 2-0 से अपने नाम कर लिया है और ऐसे में भारतीय टीम अब तीसरा वनडे मैच न्यूजीलैंड से खेलेगी। लेकिन इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे तो ईशान किशन भी 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और भारतीय टीम ने एक काफी बड़ी जीत दर्ज कर ली है।